टिकरी में बुराई पर अच्छाई के प्रतीक एवं असत्य पर सत्य के प्रतीक विजयादशमी पर्व पर नगर के नए दशहरा मैदान सहित पुरानी दशहरा मैदान एवं ब्रज धाम कॉलोनी सहित अन्य जगहों पर रावण दहन का आयोजन किया है। इसके पूर्व नगर परिषद के द्वारा एक घंटे तक रंगारंग आतिशबाजी का आयोजन किया। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला हिन्यारी, पापियों के पाप को, अधर्म के विनाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली जैसी भक्तिमय गीतों के साथ श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी के चलित झांकी नगर परिषद ठीकरी से निकाली। डीजे पर नाचते झूमते नगरवासी चल रहे थे, वही जुलूस में नगर के जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। चल समारोह में नगर परिषद से खरगोन मार्ग से होते हुए त्रिवेणी चौक एवं मलिहार चौक से बोराड नदी के किनारे स्थित रावण दहन स्थान पर पहुंची, जहां श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी की नगर परिषद अध्यक्ष पूजा जायसवाल एवं जन प्रतिनिधि सुमित जायसवाल ने पूजन किया। वहीं पुराने दशहरे मैदान में नगर परिषद उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान, पलाश जायसवाल, अपू पटेल के द्वारा रावण दहन किया। इस दौरान रावण दहन करने के लिए नगर सहित आसपास के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में रंग बिरंगी भव्य आतिशबाजी की गई। वहीं बोराड नदी पर करीब 7 बजे के आसपास नगर परिषद अध्यक्ष ने 31 रावण को आंख लगाई है, जो 50 सेकंड में जलकर खाक हो गया। ठीकरी नगर परिषद में दो जगह रावण जहां दहन होने की बात हुई, ये बड़ी ही चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां पर कई लोगों का कहना है कि परंपरागत जगह पर रावण दहन होना चाहिए, तो वही नगर परिषद के द्वारा ठहराव प्रस्ताव कर एक जगह निश्चित की गई है। इसी को लेकर गहमे गहमी बनी हुई है, तो कई जनता दो गुट में बटी नजर आ रही है, नेताओं में भी दो गुट नजर आ रहे हैं, तो कहीं जनता भी दो जगह रावण दहन को देखने के लिए आई है। जहां हजारों की संख्या में परंपरागत रावण दहन होता है, वहां पर हजारों की संख्या में यहाँ पर जनता देखने के लिए आई है। तो वही हमारे बीच इसी बात को लेकर बात करने के लिए मौजूद है, आई बात करते हैं इनसे। क्या है, क्या नाम है आपका? पलाश जायसवाल। ये जो रावण दहन हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? दो जगह हो रहा है, नगर परिषद ने एक जगह ठहराव प्रस्ताव कर जगह निश्चित की है, लेकिन फिर भी दूसरी जगह रावण दहन हो रहा है, क्या कहेंगे? नगर परिषद ने अगर ठहराव प्रस्ताव करके रावण दहन की दूसरी जगह बनाई है, तो वो उनके हिसाब से उचित होगी, लेकिन हमारा और हमारे बड़े बूढ़ों का मानना ये है कि जहाँ पे परंपरागत रावण दहन होता है, रावण वहीं पे दहन होना चाहिए। इसकी एक और वजह है कि जहाँ पे भी रावण दहन या कोई दहन का काम होता है, वो गांव के बाहर शमशान में किया जाता है और शमशान गांव के बाहर होता है, इसलिए हम इस रावण को गांव के बाहर और परंपरागत जगह पर दहन कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे, इतनी सैकड़ों में भीड़ जो है वो परंपरागत स्थान पर आकर उनको हर्ष और उल्लास लगता है और आस्था जगती है। जनता के बीच में आस्था है, कहीं ना कहीं परंपरागत जगह आकर रावण दहन करना एक उत्साह बना हुआ है यहाँ, ऐसा कहना है हमारे बीच जो मौजूद थे, पलाश जी जायसवाल, उन्होंने कहा है। वही हमारे बीच में और भी बात करने के लिए क्या कहेंगे? नगर परिषद अलग जगह कर रही है, आपकी एक आयोजन समिति है वो अलग जगह कर रही है। अलग अलग जगह का नहीं, वो नगर पंचायत जो कर रही है वो हमारे ठहराव प्रस्ताव में हुआ था, पर गाँव के कुछ लोगों की आस्था यहाँ जुड़ी हुई है पुराने समय से, इसलिए इसको यहाँ पर करना पड़ रहा है। ये थे हमारे बीच में नगर परिषद उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने कहा है कि जो परंपरा है हम उनके साथ हैं और वो आज यहाँ आए हैं परंपरागत रावण का दहन करने के लिए, ये बड़ा उत्साह की बात है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सुरेंद्र वर्मा, ठीक है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बुराई का प्रतीक है तो निश्चित ही वो हर गली हर मोहल्ले में जलना चाहिए, और रहा नगर परिषद का निर्णय तो स्वाभाविक सुविधा के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन रावण दहन होता है गांव के बाहर, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसी गलत धारणा है। ये बुराई का प्रतीक है तो इसको निश्चित ही सबके बीच में मालूम होना चाहिए कि श्री राम जी ने बुराई पे कैसी जीत प्राप्त की थी।